हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस पांच मिनट। तो आज के बस पांच मिनट में हम बात करेंगे व्हाट इज एंथ्रेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि एंथ्रेक्स न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है कि केरला के अथिरापल्ली फॉरेस्ट रीजन में, जो कि त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में है, आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड बोर्ड की डेड बॉडी मिली है और उन्हें एग्जामिन करने के बाद पता चला है कि उनमें एंथ्रेक्स आइडेंटिफाई हुआ है। इसके बाद केरला गवर्नमेंट पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है। तो इस वीडियो में हम एंथ्रेक्स रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा समझते हैं एंथ्रेक्स है क्या। देखिए, जैसा कि अगर अकॉर्डिंग टू CDC की बात करें तो एंथ्रेक्स एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है जो बहुत ही रेयर है बट बहुत ही ज़्यादा सीरियस सीवियर कंडीशन हो जाता है। जहाँ भी होता है बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाता है, डेडली भी होता है ये, और ये होता है एक बैक्टीरिया के कारण। देखिए, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये एक रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। इमेज में देख सकते हैं कुछ आप, ऐसा होता है ये, और जिसका नाम होता है बैसिलस एंथ्रासिस। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बैसिलस एंथ्रासिस के बारे में। तो बैसिलस एंथ्रासिस के कारण ही ये एंथ्रेक्स होता है, और ये बैक्टीरिया जनरली पाया जाता है जो सॉइल वगैरह होते हैं वहाँ पर मिलता है ये, और यहीं से जितने भी डोमेस्टिक हो या वाइल्ड एनिमल हो इनसे कंटेमिनेट हो जाते हैं, इनसे कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं और बाकी इसके बाद इन्फेक्शन हो जाते हैं और उनमें एंथ्रेक्स देखने को मिलता है। देखिए, WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो एंथ्रेक्स को जूनोटिक डिजीज माना गया है। जूनोटिक डिजीज मीन्स ऐसे डिजीज जिनका ट्रांसमिशन एनिमल टू ह्यूमन होता है, मीन्स एनिमल टू ह्यूमन जिनका ट्रांसमिशन होगा उन सारी डिजीज को जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। तो एंथ्रेक्स को भी जूनोटिक डिजीज की कैटेगरी में रखा गया है। आप समझ सकते हैं कैसे होगा। मान लीजिए कि आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं किसी ऐसे एनिमल के जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है एंथ्रेक्स से, या फिर कुछ के प्रोडक्ट को आप यूज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप चिकन को, यहाँ पर एंथ्रेक्स हुआ पड़ा है और आपको मन कर गया चिकन खाने का, अगर आपने इस चिकन को खाया तो हो सकता है आप भी एंथ्रेक्स से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही कंडीशन में ये जूनोटिक डिजीज है जो कि एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसमिशन होता है। अगर बात करें कंटेजियस है या नहीं है, तो देखिए WHO को अकॉर्डिंग कहना है कि ये नॉन कंटेजियस है। नॉन कंटेजियस मीन्स कंटेजियस डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जिनका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन आसानी से हो जाता है, जैसा कि COVID-19 के मामले में हमने देखा क्या ये कंटेजियस डिजीज है। बट एंथ्रेक्स के बारे में WHO का कहना है कि नॉन कंटेजियस है, मीन्स ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है रेयरली देखने को मिलता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए इसे नॉन कंटेजियस कैटेगरी में रखा गया है। तो ये तो बात हो गई इसके कंटेजियस होने की। अब जरा समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि लाइव स्टॉक स्पीसीज जो होंगे उनमें अलग देखने को मिलेगा, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में अलग, या फिर ह्यूमन में अगर ट्रांसमिशन हो जाता है तो ह्यूमन में अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जरा लाइव स्टॉक स्पीसीज के बारे में समझते हैं। देखिए, जो भी हमारे लाइव स्टॉक स्पीसीज होते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, ये भेड़ बकरी वगैरह, जो भी हम घर में पालते हैं, जो घरेलू होते हैं, उनमें क्या होता है कि हाई फीवर होगा और सडनली मान लीजिए कि कोई ग्रुप ऑफ एनिमल है तो उनमें से दो तीन जो एनिमल है उनकी डेथ हो जाएगी, तो ये सिम्टम्स होता है लाइव स्टॉक स्पीसीज में। और वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में भी सेम होता है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, सडन डेथ तो होती है बट उससे पहले उनमें ब्लडी डिस्चार्ज होता है, मीन्स आँखों से, नाक से वगैरह खून आना, ये देखने को मिलता है, उसके बाद उनमें सडन डेथ होता है। आप समझ सकते हैं किसी में, जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया हमने सॉइल टू होता है, तो एनिमल में चाहे वो शहर के हों या फिर पालतू हों या वाइल्ड लाइफ के हों, सब में हो सकता है। अगर मान लीजिए इनसे अगर इन्फेक्टेड हो जाता है कोई ह्यूमन, तो ह्यूमन में भी क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है कि स्मॉल ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं, मीन शरीर पर चकते वगैरह होना, फफोले वगैरह होना हो सकता है, फीवर हो सकता है, फीवर हो सकता है, चिल हो सकता है, मीन जाड़े के साथ होता है ना फीवर, जैसे कि हम मलेरिया वगैरह में देखते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, मीन सांस लेने वगैरह में दिक्कत हो जाती है। और जैसा कि CDC के अकॉर्डिंग कहना है कि ये जो अगर मान लीजिए किसी ह्यूमन में हो जाता है तो बहुत ही डेडली फॉर्म में हो जाता है, मीन्स फेटल हो जाता है। अगर किसी को मान लीजिए किसी को ह्यूमन को हो जाए तो 2-3 डेज में हो सकता है उसकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये तो बात हो गई सिम्टम्स की। अब जरा समझते हैं कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये बैक्टीरिया होता है, इसलिए एंटीबायोटिक थेरेपी इसमें यूज की जाती है। और जो ट्रेडिशनली यूज की जाती थी एंटीबायोटिक, इनमें पेनिसिलिन की जाती थी, करंट में डाइसोसाइक्लोइन वगैरह भी यूज किया जा रहा है। और जितने भी WHO हो या CDC वगैरह, सबका सिर्फ एक ही कहना है कि जो भी लाइव स्टॉक स्पीसीज हैं जहाँ पर इनमें होने के चांसेज होते हैं और जिनके थ्रू ह्यूमन में होने के चांसेज होते हैं, उनमें वैक्सीनेशन कराया जाए ताकि इसे डेडली डिजीज ना बनने दिया जाए, ताकि इसका स्प्रेड वगैरह रोका जा सके और आसानी से इसे प्रिवेंट किया जा सके। तो होप आपको एंथ्रेक्स के विषय में सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.